देखिए, ओ मुख्यमंत्री रहते हुए आदित्यनाथ जी ने क्या पाप किया है, क्या नहीं किया है, ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान या डॉक्टर धर्म सिंह सैनी बेहतर बता सकते हैं। हम लोग तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। बाकी जो जैसे जो हमने बातें जो कही, उससे नाराजगी तो बढ़ रही थी, और नाराजगी सिर्फ ओबीसी में या दलित समाज में नहीं, सवर्ण समाज में भी, सवर्णों में भी नाराजगी कम नहीं है। उसमें भी कुछ खास जो नौकरशाह जुटे हुए हैं, वही अपनी डिक्टेट करते हैं, वही चलाते हैं। अब आप देखिएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची है, तो ठीक है ओबीसी विधायकों की संख्या ज्यादा है तो वो ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन ब्राह्मण समाज के भी 3 विधायक टूट गया है भाई। और ये बदायूं में बिलसी विधानसभा क्षेत्र से राधा कृष्ण शर्मा, इलाहाबाद के हंडिया से शशांक त्रिपाठी, या लखीमपुर खीरी जिले में वो अपने बाला अवस्थी, ये लोग भी भाजपा से निकल करके आए हैं। और इस तरह से लोग अभी कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अब जैसा वो धर्म सिंह सैनी ने कहा अपने बयान में, हम लोग तो चूंकि वही लोग जो कह रहे हैं वही सुन रहे हैं, वही समझ रहे हैं कि साहब 20 जनवरी तक एक मंत्री रोज छोड़ के आए, छोड़ेगा, और उसके साथ लोग आएंगे, कुछ और विधायक लोग आएंगे। अब ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा ये पता नहीं है। तो इसलिए नाराजगी तो बहुत है, नाराजगी में कोई कमी नहीं है। दूसरा एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो अयोध्या अयोध्या की बात हो रही है, आपको मैं बताऊं कि जब अयोध्या आंदोलन चरम पर था, राम जन्मभूमि आंदोलन, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन जिसको कहते हैं, जब चरम पर था, उस समय जो अयोध्या के जो चुनाव हुए थे, तो विधायक चुने गए थे समाजवादी पार्टी के जयशंकर पांडे, और सांसद चुने गए थे पुराने कम्युनिस्ट लेकिन समाजवादी पार्टी में चले गए थे मित्र सेन यादव। या इसी तरह से इलाहाबाद की भी जो पवित्र नगरी जिसको हम कहते हैं, वहां भी सरोज दुबे चुनाव जीत गई, आई थी, वो भी समाजवादी मतलब जनता दल की थी वो, और ये मित्र सेन यादव भी उस समय जनता दल के ही साथ थे। तो ये एक बात है, इसलिए ऐसा नहीं है, जब लहर जब बनती है, अब जो बेरोजगार नौजवान घूम रहा है सड़कों पे, जिस पर लाठियां चल रही है, उस पर कौन ओबीसी है, कौन दलित है, और कौन ब्राह्मण और कौन राजपूत है, इसकी गिनती तो होती नहीं है। अब सारे राजपूत समाज को ही आपने नौकरी दे दी होगी, ऐसी बात तो नहीं है। तो नाराजगी तो सब जगह पे है। और दूसरी बात यह है कि इन दलों में भी जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, या कांग्रेस में भी हो, तो उसमें भी समाजवादी सोच के अपर कास्ट के लोग भरे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इसलिए जैसा वो पूरी बातें करते करते स्वामी प्रसाद मौर्य बाद में बोले ना, भाई जो 15% है उसमें भी बंटवारा होगा, उसमें भी जो समाजवादी चिंतन के लोग हैं वो लोग हमारे साथ हैं, हमारे पार्टियों में हैं, हमारे साथ रहेंगे। तो ये भी एक बात है। मुख्य बात यही है कि अब योगी जी चाहे अयोध्या से चुनाव लड़े, चाहे मथुरा से चुनाव लड़े, हमको लगता है कहीं ना कहीं इसमें भाजपा के अंदर खाने की जो राजनीति चल रही है भाई, इससे एक मैसेज तो ये भी जाएगा ना कि गोरखपुर से आपका तंबू उखड़ चुका है। गोरखपीठ जिसके आप महंत हैं, जहां आपके दादा गुरु विधायक होते थे, जहां आपके बाबा गुरु महंत अभयदेनाथ जी सांसद होते थे, आप चार चार बार वहां से सांसद रहे, वहां आपको जगह जमीन नहीं मिल रही है कि आप चुनाव लड़ सकें। आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, पौने 5 साल तक आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया गोरखपुर के लिए। जब आप मुख्यमंत्री बने थे उसी समय लोगों को उम्मीद थी, हमारे जैसे लोगों को खास तौर से उम्मीद थी, हमको बड़ी खुशी हुई थी साहब, चलो मनोज सिन्हा नहीं हुए, आदित्यनाथ जी हो गए, कम से कम पूर्वांचल का एक आदमी मुख्यमंत्री हुआ, तो पूर्वांचल में विकास की गंगा तो बहेगी, समझू घाघरा में कुछ तो विकास की लहरें जुड़ेंगी। आपने कुछ नहीं किया, और हमको यह भी उम्मीद थी कि आप जब उपचुनाव लड़ करके विधानसभा में जाएंगे, लेकिन आप चोर दरवाजे से विधान परिषद में चले गए, आपने विधानसभा चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं समझी। तो यानी कि आपका किला धड़क गया है, ये खुद आप मान रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अयोध्या में जाएंगे, धार्मिक उन्माद सांप्रदायिक उन्माद भड़काएंगे, और जैसा हमारे मित्र ओम प्रकाश सिंह जी बता रहे हैं ना कि भाई अयोध्या का जो जिस ढंग से वहां पे पेशबंदी हो रही है, लामबंदी हो रही है, ब्राह्मण समाज जिस तरह से एकजुट हो रहा है, या पिछड़ी जातियों, वहां पे पिछड़ी जातियों की बहुलता है, राजपूत भी वहां है, काफी है लोग, लेकिन पिछड़ी जातियों की बहुलता है, दलित समाज है, ब्राह्मण समाज है, और अकलियत के लोग भी हैं। अगर इनका ताना बाना एकजुट हो गया और उसमें अगर ब्राह्मण समाज जुड़ गया साथ में,
तो फिर योगी जी के लिए उतना आसान नहीं होगा जितना वो सोच रहे हैं भाई। पूरी ताकत लग जाएगी, सरकार लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद तो चिंता तो है अभी भी। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो खुफिया तंत्र उनका है, सरकार का जो खुफिया तंत्र है, वो ये लगा हुआ है पता करने की अब कौन विधायक जाने वाला है, अब कौन विधायक जाने वाला है, या अब कौन मंत्री जो है टूटने वाला है। लेकिन चूंकि इन लोगों की तैयारी पहले से रही है और काफी ढंग से रही है और बड़ी सुनियोजित ढंग से एक एक करके वो सामने आ रही है, तो अब ये देखने वाली बात होगी राजीव जी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, लेकिन